राम राम भाई, क्या हाल है। ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने एक चीज नोट की होगी कि जहां पर आप बाई करते हैं वहीं से मार्केट नीचे आता है, और जहां पर आपका स्टॉप लॉस लगा होता है वहीं से मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, और आप कहते हैं कि ये एक ऑपरेटर की चाल है। तो आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि ऑपरेटर कौन होता है, ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर के हम ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, और ऑपरेटर के साथ में अगर हम ट्रेडिंग करें तो हम कितना बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप अभी से लाइक कर लीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलना। देखिए, जो मार्केट है उसमें एक होता है रिटेल ट्रेडर, मतलब कि आप और हम जो 2 लॉट 4 लॉट 10 लॉट या 20 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं। एक होते हैं जो कि बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जो मतलब आप मान सकते हैं कि FII वाले हो गए, DII वाले हो गए, तो ये लाखों करोड़ों हजारों ठीक है इतने रुपए लगाने के बाद में वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि वो एक बड़े इन्वेस्टर हो गए, और हम है छोटे इन्वेस्टर। तो जो मार्केट को ऑपरेट करता है वो एक बड़ा इन्वेस्टर ऑपरेट करता है, ठीक है, ऑपरेटर और कोई नहीं होता, ठीक है। ऑपरेटर ऐसा कोई ऑफिस में बैठा है कोई आदमी नहीं है जो जहां चाहे मार्केट को कॉल साइड या पुट साइड लेके जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो बड़े पैसे वाला है, चाहे बड़े पैसे वाला कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जो बड़े पैसे वाले हैं वो ही ऑपरेटर कहलाते हैं, वो ही मार्केट को ऑपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, अगर मान लो कि मार्केट साइडवेज चल रहा होता है या फिर मार्केट की कहीं पे ओपनिंग हुई है, अगर वहां पे एक बड़े फंड वाला जो FII वाले या DII वाले या फिर बड़े इन्वेस्टर, ठीक है, अगर वो अपना पैसा कॉल साइड डालते हैं तो मार्केट वहां से कॉल साइड की तरफ जाता है, और अगर वो लोग पैसा अपना पुट साइड में डालते हैं, ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। यानी कि मार्केट को चलाने वाले कौन है, जो बड़े फंड वाले हैं वो। अब आपके या मेरे 2 लॉट या 10 लॉट से मार्केट हिलने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम जहां पे भी लेते हैं तो वहां पे हमें ऑपरेटर ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे करता है, देखिए कि जैसे मान लो कि अगर कोई 48,000 का रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकती है, ये आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, तो क्या उनको पता नहीं है जो बड़े बड़े फंड लेके बैठे हैं, ये उनको भी पता है। और वो लोग भी यही सोचते हैं कि सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो यहां से बहुत ज्यादा संख्या में रिटेलर आएंगे और कॉल बाई करेंगे। तो होता क्या है कि जब 48,000 का वहां पे जो बड़े फंड वाले होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद में ऊपर जाता है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा और हम लोग भी कॉल बाई कर लेते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां पे ये बड़े फंड वाले क्या करते हैं कि अपना फंड वापस निकाल देते हैं, और अगले ही कैंडल में वापस धड़ाम से मार्केट नीचे गिर जाता है, और हम इस ऑपरेटर के जाल में फंस जाते हैं, ऑपरेटर के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए जहां पर हम बाई करते हैं वहां से वहीं से ही मार्केट नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब हम बाई कब करते हैं, जब वो लेवल टूट के ऊपर जाता है वहां पर हमारी एंट्री होती है, और वहीं पर जो बड़े फंड वाले होते हैं वो ट्रैप करने के लिए वहां से अपना फंड निकालते हैं। और जैसे ही बड़े फंड मार्केट से निकलता है, आपको पता है कि जब सेलिंग कैसे आती है, जब यानी कि मार्केट में जब बायर लोगों के बड़े फंड लगे होते हो और वो फंड एक साथ में बाहर निकलते हैं, तो मार्केट में जो बायर होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो सेलर होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जो मार्केट है वो वहां से नीचे आ जाता है, और वहीं पे होता क्या है कि हम जहां पर SL रखते हैं वहीं पे हम लोगों का SL कटता है, और वो SL आपका या मेरा नहीं, बहुत रिटेलर लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनका वो SL कट जाता है, और वहीं से नेक्स्ट कैंडल बनती है जो वापस 50 पॉइंट 60 पॉइंट का ऊपर की साइड मूवमेंट देती है, और हम बोलते हैं कि हम ऑपरेटर के जाल में फंस गए। तो देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें एक तो ऑपरेटर की जो चाल है, ठीक है, ऑपरेटर की जो ट्रैपिंग है, हमें उससे बचना है, और दूसरा अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हम ऑपरेटर के साथ मिलकर ट्रेडिंग करेंगे। यानी कि हम अगर ऑपरेटर की चाल को समझ लेंगे कि ऑपरेटर किस साइड में पैसा लगा रहा है, या फिर ऑपरेटर का क्या रुख है, वो किस तरफ मतलब जाने की कोशिश कर रहा है, कॉल साइड या फिर पुट साइड, अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हम उनके साथ में ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। आप ट्रैप को कैसे समझ सकते हैं, इससे पहले मैंने एक फेक ब्रेकआउट का वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले वो वीडियो देख लीजिए, या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, होता क्या है कि फेक ब्रेकआउट से बचना ही ऑपरेटर की चाल से बचना कहलाता है। कैसे है कि अगर मान लो 48,000 का कोई रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेकआउट दे दिया है, तो आप लोगों को तब तक वो ब्रेकआउट नहीं मानना है जब तक उसकी क्लोजिंग 48,000 के ऊपर नहीं आ जाती, क्योंकि क्लोजिंग एक तरीके का कंफर्मेशन होता है कि अब ये रेजिस्टेंस टूट चुका है।
लेकिन ये भी 100% नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऊपर क्लोजिंग आने के बाद में भी नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है, वहां पे भी हम ट्रैपिंग फंसते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% चांसेस है। बाकी 90% चांसेस ये रहता है कि अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है ऊपर, तो वहां पर हमें 90% ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब यहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस कम है, यहां से ऊपर जा सकता है। दूसरा एक इंडिकेटर, वैसे तो मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, लेकिन एक इंडिकेटर है जो आप यूज कर सकते हैं और मैं भी यूज करता हूं, उसका नाम है वॉल्यूम। अगर जहां पे भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या होगा, फेक ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकआउट मिलेगा, और अगर सपोर्ट टूटेगा तो क्या होगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, वो फेक भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी जब उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर हो या फिर सपोर्ट से क्लोजिंग उसकी नीचे हो, तो हमें वहां पे कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको वॉल्यूम को भी चेक करना है, एक वॉल्यूम इंडिकेटर आता है, आपको उसको चेक करना है कि क्या वहां पे सपोर्ट टूटने के बाद नीचे की साइड या रेजिस्टेंस टूटने के बाद ऊपर की साइड क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है साथ में। अगर वॉल्यूम साथ में बढ़ रहा है तब तो वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस उसके कम रहते हैं। अगर वॉल्यूम वहां पे फिक्स है और अगर वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो कैंडल ऊपर जा रही है, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 70 पॉइंट भी जा सकती है, लेकिन अगर उसके साथ में उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो वहां पे आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद में फिर से वापस नीचे आएगा और आपका एसएल तोड़ देगा। ठीक है, यही गलती होती है जो नए बिगिनर लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि ऑपरेटर की चाल को हम कैसे समझें और ऑपरेटर के साथ में हम ट्रेडिंग कैसे करें, इसकी वजह से उनके एसएल टूटते हैं और जैसे ही उनका एसएल लगता है अगली ही कैंडल वापस ऊपर चली जाती है। तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम ऑपरेटर के साथ में कैसे मिल सकते हैं, उससे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि आपको जो ऑपरेटर की चाल है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ऑपरेटर के साथ में मिलकर ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जहां पर बड़े फंड वाले पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट उसी तरफ जाता है, क्योंकि आपके या मेरे 2 लॉट या 10 लॉट से मार्केट हिलने वाला नहीं है। मार्केट हिलेगा किससे, जो लाखों करोड़ पैसा एक साथ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम भी उनके साथ में मिल जाए तो उनके प्रॉफिट के साथ में, उनको बड़ा प्रॉफिट होगा तो उनके साथ में हम भी अपना छोटा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑपरेटर के साथ में मिलकर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूं चार्ट पे, और चार्ट पे चलने के बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑपरेटर की ट्रैप से कैसे बचना है और आप उससे कैसे ट्रैफिक से बच सकते हैं और अपना एसएल तोड़ने से बच सकते हैं। देखो अभी मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहां पर ये 5 तारीख का मार्केट है, यहां पर आप ध्यान से समझना, ठीक है, और यहां पर जब आप देखोगे कि यहां पर मार्केट ने थोड़ा पुट साइड में मूव दिया है और यहां आके अपनी क्लोजिंग दे दी है, अगले दिन मार्केट यहां से गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर ट्रैप में कैसे फंसाता है हमें ऑपरेटर, जैसे ये गैप अप ओपन हुआ तो रिटेलर लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ है, इसका मतलब कि कल जो है वो FIDI वाले ने या फिर बड़े फंड वाले ने कुछ होल्डिंग रखा होगा, इस वजह से यहां पर इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है और यहां से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे ही वो यहां से कॉल बाई करता है तो मार्केट क्या करता है कि 2 कैंडल बढ़ाता है नीचे की ओर, यानी कि उनका एसएल तोड़ देता है। जैसे नीचे की ओर एसएल बढ़ना ये आता है और उनके एसएल टूटते हैं तो रिटेलर लोगों को ये लगता है कि यहां से मार्केट हो सकता है कि पुट साइड में आए, तो जैसे ही वो लोग पुट ऑप्शन का बाई करते हैं और यहां से वापस फिर से 2 ग्रीन कैंडल बन जाती है और यहां पे क्या करता है कि पुट वालों के एसएल टूट देते हैं। जैसे ही यहां से पुट वालों के एसएल टूटते हैं, तो यानी कि एक बार कॉल वालों के एसएल टूटे, एक बार पुट वालों के एसएल टूटे, तो अब रिटेलर लोगों को यह लगता है कि हो सकता है कि मार्केट ने थोड़ा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, अब मार्केट यहां से ऊपर आया तो हो सकता है कि यहां से वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। क्या अब ये लोग सोचते हैं कि अब यहां से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, तो यहां पे क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। जैसे यहां पे कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो नेक्स्ट 2 कैंडल फिर से बन जाती है क्या, रेड, ठीक है, और जैसे रेड बनती है तो कॉल वालों के फिर से एसएल टूट जाते हैं। ठीक है, अब जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है और मार्केट में लोगों को यह लगता है कि हो सकता है कि यहां से मार्केट जो है वो और पुट साइड में जाएगा, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां से ये एक कैंडल की ओपनिंग होती है और यहां से ऊपर तक जाती है तो यहां पे पुट साइड लोगों का एसएल टूट जाता है, मतलब कि कॉल वालों का और पुट वालों का दोनों का यहां पे एसएल दो बार तोड़ देती है। उसके बाद में रिटेलर लोगों को यह लगता है कि मार्केट ट्रैपिंग है और जैसे ही वो लोग ट्रैपिंग मार्केट समझते हैं और वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं, वहां से मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है और ये एक टाइम तक अपना ट्रेंड में चलता है और वहां से जाके मार्केट साइडवेज होता है, मतलब कि उनकी प्रॉफिट बुकिंग होती है तब मार्केट में यहां पे साइडवेज चलता है। तब तक यहां से आप देख सकते हो कि यहां से लेके और यहां तक जो ये बड़े फंड वाले होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और जो हम जैसे ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर है, उनका एसएल काट के उनको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पे एक बार आप यहां पे भी देख सकते हैं कि जैसे एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं
और ये जो चीज है यहां पे इसको मैं यहां ले आता हूं। अब यहां पे क्या था, यहां पे मार्केट साइडवेज थी, ठीक है, यहां पे मार्केट साइडवेज थी, तो ये साइडवेज मार्केट थी। अब जैसे ही क्या होगा कि ये साइडवेज मार्केट से निकली तो यहां से ये रेड कैंडल बनाया। अब बहुत लोग यहां पे सोचेंगे कि यहां से हम पुट का ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है, यानी कि मार्केट में कॉल ऑप्शन लेने के लिए लोग कम है और पुट ऑप्शन लेने के लिए जो लोग हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे वो यहां से पुट का ऑप्शन लेते हैं, फिर एक कैंडल ग्रीन बनती है और ऊपर चली जाती है, और यहां पे इनका एसएल टूटता है, और जैसे इनका एसएल टूटता है फिर थोड़ी देर मार्केट साइडवेज होने के बाद में फिर मार्केट एक अच्छा मूव देती है पुट साइड में, और यहां तक इनका, यहां पे आप देख सकते हैं, देखो ये इस यहां से लेके और यहां तक जो बड़े फंड वाले होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपना क्या करते हैं कि हमें ट्रैप में फंसाते हैं। जब इतना मार्केट नीचे आ जाता है तब ऐसा कौन सोचेगा कि यहां से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहां से फिर कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो यहां से पुट ऑप्शन बाई करते हैं, लेकिन फिर वो ट्रैपिंग में फंसते हैं और यहां से लेके मार्केट वापस जहां से आया होता है वहां तक चला जाता है। अब उनको लगता है कि अब हो सकता है कि यहां से लेके यहां तक मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था, अब यहां से लेके यहां तक आ गया है, इसका मतलब कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि अब यहां से मार्केट वापस कॉल सट जाए। और जैसे यहां पे वो अपनी कॉल की एंट्री बनाते हैं तो यहां से फिर मार्केट एक ट्रेंड चेंज करता है और फिर से उनका लॉस होता है। इस तरीके से ये मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ और लास्ट में क्या करता है कि लास्ट में एंड ऑफ द डे कौन प्रॉफिट में जाता है, जो ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब कौन होता है कि जो बड़े फंड वाले होते हैं, जो एफआईडीआई वाले होते हैं, वो अब वो यहां से लेके यहां तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर क्या होता है कि यहां पे आके मार्केट एक साइडवेज में वापस आके वहां पे रुक जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड वाले होते हैं वो अपना प्रॉफिट यहां से निकाल देते हैं। अब यहां से बचा कौन, अब यहां पे कोई नहीं बचा, जो छोटे मोटे आप जैसे हम जैसे जो होते हैं ट्रेडर, यानी कि जो कम पैसे वाले, वो यहां पे ये मार्केट को साइडवेज करते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम ऑपरेटर की चाल को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो यहां से हम यहां समझ सकते हैं कि ऑपरेटर कैसे हमको अपने जो ट्रैप है उसमें फंसाता है। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको ये ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। कैसे नहीं फंसना है, क्योंकि आपको एक तो मालूम करना है कि आपका जो अगर कोई भी रेजिस्टेंस है पास में, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 48,000 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि वो यहां पे था, मैं आता हूं यहां पे नीचे, ये 48,000 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहां पे अगर उसकी क्लोजिंग ऊपर मिलती है, जैसे मैं अगर इसको छोटा करता हूं, देखो ये मार्केट यहां पे था, ये 48,000 का रेजिस्टेंस है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर मिल गई। ऊपर मिल गया का मतलब ये होता है कि अब 90% चांसेस है मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर यहां पर आप देखोगे, ये भी एक तरीके का 48,000 का ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली है, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे, इसको ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही मिली है या इससे नीचे मिली है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर आप ट्रैप में फंस सकते हो और यहां पर देखो वापस मार्केट जो है वो नीचे आया। आपको वेट करना है क्लोजिंग का, जैसे ही इसकी क्लोजिंग आपको ऊपर मिल जाए आपको 90% कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है और यहां से ऊपर गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे ऑपरेटर की चाल को पहचानोगे, मतलब चाल को तो आपने पहचान लिया, अब आप ऑपरेटर के साथ में मिलकर कैसे ट्रेड कर सकते हो जिससे आपको एक बड़ा फायदा हो, तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां तक रुकने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।